हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों पिछले 2 दिनों से मैं आप लोगों को समय देता हूं कि आप लोग मुझे कॉल करके अपना जो वीकनेस है, प्रॉब्लम है, वो हमसे शेयर कर सकते हैं। तो अभी जो मैं पिछले 2 दिनों से कॉल पिक कर रहा हूँ तो केवल एक ही क्वेश्चन सबके मुँह से आ रहा है कि सर समय कम है, हमने प्रिपरेशन पूरे डेडिकेटेड होके नहीं किया, तो अब कम समय में हम अच्छा प्रिपरेशन कैसे करें, अच्छा मार्क्स कैसे लाए। तो इसी पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखिए पहले जब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता था तो मैं आप लोगों से कहता था कि पहले आप लोग सिलेबस को देखिए, सिलेबस के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, उसके बाद क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं उसको ही आप फोकस करके प्रिपरेशन करिए। बहुत सारा चीज़ मैं आपको बताता था कि आप ये करिए, वो करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, लेकिन अब मैं वो सारा स्ट्रैटेजी आप लोगों के पास बिल्कुल नहीं शेयर करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि अब बस कुछ ही दिनों है एग्ज़ाम का बाकी। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहला टिप्स जो देना चाहूँगा वो यही कहूँगा कि सारे चीज़ गेस वगैरह सारे को इग्नोर करिए, केवल और केवल उसी प्रश्न पे अपना 99% फोकस करिए जो मैं गेस किया हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी एक क्वेश्चन पेपर वायरल भी हो रहा है जो किसी ने बताया कि ये LNMU में हो सकता है यही क्वेश्चन देखने को मिले, और वहाँ पे वही क्वेश्चन है जो मैंने गेस करके आपको दिया हूँ। एक दो भी डिफरेंट नहीं है, हमें तो लग रहा है संपूर्ण इंग्लिश का गेस ही कहीं LNMU ने डाल दी। तो इसीलिए आप लोग मेन फोकस जो मैं गेस किया हूँ और तीनों पार्ट के लिए कर चुका हूँ, इंग्लिश ऑनर्स में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इस चारों तीनों पार्ट मिलाकर के 8 पेपर होते हैं। इस 8 पेपर का मैंने गेस कर चुका हूँ, और ये अभी नहीं किया, बहुत पेपर 5 महीने पहले भी किया और बहुत पहले 2 महीने पहले भी करवा चुका हूँ। तो और शुरू से ही मैं आपको कहता आ रहा हूँ कि आप लोग अपना मेन फोकस इसी पर करो, लेकिन आप लोगों ने ऐसा किया नहीं। इंग्लिश ऑनर्स से मैं शुरू से आपको कहता था कि शुरू से ही अगर आप 10-15 मिनट भी रेगुलर करोगे ना तो 2 महीने में आप आसानी से कर लोगे सारा चीज़, पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर जो है ना, पोएम है, स्टोरी है, कहानी सब है, वहाँ पे नॉवेल है, पता नहीं चलता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बस कहानी याद करते चलो, लैंग्वेज थोड़ा कमांड में कर लो, सारा चीज़ आसानी से आप लिख दोगे। लेकिन आपने वो किया नहीं। और दूसरी बात, आप लोग में से बहुत का जो ग्रामेटिकल ग्रामर जो पोर्शन है तो वो भी आप लोगों का वीक है, तो अपने मन से कुछ लिख भी नहीं सकते हैं। तो मैं जो यहाँ पर टिप्स देने वाला हूँ, पहला टिप्स यही दे रहा हूँ कि जितना अधिक से अधिक हो सके राइटिंग पे आप लोग मेहनत करो, क्योंकि राइटिंग जो है ना आंसर बढ़ाने का और घटाने का सबसे पहला कार्य वही करता है राइटिंग। देखते होंगे आप लोग लड़की सब का राइटिंग थोड़ा बेहतर होता है तो वो सब अच्छा मार्क्स ला लेता है, लेकिन बॉयज ये लोग उस पर काम ही नहीं करते, तो वही कारण है उनको कम मार्क्स भी देखने को मिलता है कुछ को छोड़ करके। तो इसीलिए आप लोग पहला काम करना केवल और केवल आंसर राइटिंग पे प्रैक्टिस करना, और राइटिंग प्रैक्टिस करो और कोशिश करना एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्योंकि मान लो अगर कोई क्वेश्चन आपने 20 मार्क्स का है और उसको छोड़ दिया तो वहाँ पे तो आपने बिल्कुल ही 20 मार्क्स कटवा लिया, लेकिन थोड़ा बहुत करके ही लिख दोगे, एक दो पेज भी कर दोगे तो 20 मार्क्स का है तो संभावना है 8-10 आसानी से आ जाए, तो कहाँ 20 का 20 जा रहा था और कहाँ 20 में 10-12 आ रहा है, तो वो बेहतर है ना। तो इसलिए क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, कोशिश करिएगा पहले 2-3 करके ही सभी प्रश्नों का आंसर दे दे, और 1-2 पेज आप छोड़ के रख लेना कि ताकि हमें लास्ट में जब समय मिले तो फिर हर प्रश्न में 1-2 पेज बढ़ा करके लिखेंगे। लेकिन अगर शुरू से ही करने लगोगे कि पहला प्रश्न को हम 10 पेज में लिखेंगे, दूसरा प्रश्न को भी 10 पेज में लिखेंगे, तो ऐसा वही होगा, तीसरा चौथा प्रश्न तक जाते जाते आपका समय ओवर हो जाएगा। और होगा भी क्या, 10-10 पेज करके लिखोगे 4 प्रश्न में तो पूरा का पूरा मार्क्स आ जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसे भी जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया वहाँ पर तो 0 नंबर आएगा। तो इसीलिए छोटे छोटे शब्दों में शुरू में करना आप कोशिश, 2-3 पेज ही लिखे, और बाद में अगर समय बचे तो शुरू से ही 1-2 पेज हर टॉपिक में छोड़ के चलना और बाद में उसको फिर से लिख देना। तो पहला काम आंसर राइटिंग पे। दूसरा काम, आप गेस वगैरह बिल्कुल मत फटो। मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 इन दोनों क्लास के लिए PDF प्रोवाइड किया हूँ और अभी भी करवा रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं लिए हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है 70-48-92-87-46, इस पे व्हाट्सअप करके पार्ट 2 और पार्ट 3 इन दोनों का पेपर का PDF ले सकते हो। पार्ट 1 का भी मेरे पास नहीं है। तो आप लोग मेन फोकस करना, इन्हीं प्रश्नों को ढंग से प्रिपेयर करें, और इस बार के लिए जो मैंने क्वेश्चन गेस किया हूँ वो
कुछ ऐसे प्रश्न भी है जो आपको मार्केट में जो गैस अवेलेबल है वहाँ पे आपको बिल्कुल ही देखने को नहीं मिले, वो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे पीडीएफ में शामिल किया हूँ, बार बार कह रहा हूँ पीडीएफ मैंने बड़ा अच्छा से बनाया हूँ, तो अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो अच्छा मार्क्स आसानी से आएगा। सिंपल लैंग्वेज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी कहा है कि आपका जो पीडीएफ है वो चाइल्डिश है, बचकाना जैसा है। तो मैं कहता हूँ कि देखिए जितना सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम ये नहीं कहता कि टफ लैंग्वेज में लिखे, ये हमेशा कहता है कि यथासंभव अपने ही लैंग्वेज में लिखे। तो आप जितना सिंपल लैंग्वेज का लिखोगे उतना बेहतर रहेगा, और मैं आप लोगों के कारण ही मैंने सिंपल लिखा हूँ, क्योंकि सिंपल अगर नहीं लिखना होता तो मुझे ग्रामर का भी ध्यान नहीं रखना होता, क्योंकि मैं बड़े बड़े फ्रेज ये सब यूज करता, ग्रामर का कोई था ही पता ही नहीं रहता, लेकिन अगर ऐसा करता तो टफ हो जाता। तो इसीलिए और जो पीडीएफ में जो क्वेश्चन है उसी पे आप लोग अपना मैक्सिमम फोकस रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आसानी से बन जाएगी। क्वेश्चन बहुत सारा ढेरों प्रश्न मैंने गिस कर रखा है यहाँ से, और समझिए पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है क्वेश्चन, इसे बाहर जाने वाला भी नहीं है। तो सबसे पहला काम वही आप लोग राइटिंग पर प्रैक्टिस करना। दूसरा चीज, लिमिटेड चीज पढ़ो आप, एक्स्ट्रा चीज मत पढ़ो। एक प्रश्न के लिए 50 प्रश्न मत पढ़ो, 2 से 3 प्रश्न पढ़ो एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, ताकि वहाँ से प्रश्न आ जाए, आएगा ही। जैसे पेपर 5 में देखिए, पहला प्रश्न के लिए आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म और विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, इस दो को कर लो, एक आना ही है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का दोनों भी आपको देखने को मिल जाए। फिर ग्रुप बी के लिए पेपर 5 में एसटी कोलेडिस को कर लो, डॉक्टर जॉनसन को कर लो, कन्फर्म है एक आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से पेपर 5 में जो लास्ट प्रश्न आता है उसके लिए आप डिकंस्ट्रक्शन, इको क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, एलेगरी, पैथेटिक फलेसी, ये सब कर लो, कन्फर्म है क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी एग्जाम होगा तो मैं क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करूँगा, आपको पता चल ही जाएगा। तो ये करना यार, आप लोग ज़्यादा चीज़ मत पढ़ो, लिमिटेड चीज़ पढ़ो। आप एग्ज़ाम का बहुत दिन, गिनती के दिन ही बाकी है बस। तो इसी प्रकार से आप अपना फोकस करो, राइटिंग पे कमांड बनाओ, और कोशिश करना जब आप आंसर लिखना तो कम से कम 1 से 1.5 पेज वही चीज़ लिखना जो मैंने पीडीएफ में लिखा हूँ। उसके बाद आप अपने मन से भी कुछ बातों को घुरा फिरा करके भी लिख दोगे, कोई बात नहीं है, केवल राइटिंग अच्छा होना चाहिए। लेकिन शुरू का 1 से 1.5 पेज वही होना चाहिए एग्जैक्ट जो मैंने गेस कर रखा है, जो मैंने अपने पीडीएफ में शामिल किया हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको बड़ा हेल्प करेगा। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है लाइन बाय लाइन ही पढ़ता है, शुरू का पेज कुछ लाइनें पढ़ लिया और बस आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसके पास उतना समय नहीं है। और इस बार तो और समय नहीं है उसके पास, क्योंकि पार्ट 2 का एग्ज़ाम लेना है, पार्ट 1 का एग्ज़ाम है, पार्ट 3 का है, पीजी सेमेस्टर का है, बीएड सेमेस्टर का है, इतना एग्ज़ाम है, एलएलबी का हो गया, केवल एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है, ऊपर से एडमिशन हो रहा है, तो प्रोफेसर के पास उतना समय नहीं है, तो इसलिए उन्हें कम समय में ज़्यादा कॉपी जांचना होगा। तो वही चीज़ से वो देखेगा। कोशिश करना जहाँ भी कोई आप आंसर लिख रहे हो वहाँ पे कोई ऑथर का नाम आ रहा है तो ऑथर के नाम को इंडिकेट करना, जो चैप्टर है चैप्टर के नाम को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, पैराग्राफ सब छोड़ना, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ये सारी चीज़ें लिखना। अगर कोई फिगर जहीं कहीं पे बन रहा है, जैसे मैं पीडीएफ में लिया हूँ, फिगर अगर आ रहा है तो फिगर बनाइए। कोई पोयम है जिसको अगर 3-4 भागों में डिवाइड किया गया है तो उसको 3-4 प्रकार से आप ड्राइव कर सकते हो, 1-2 करके कर सकते हो, एरो दे करके कर सकते हो, तो इस प्रकार से बहुत सारे थे सीक्वेंस में कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ है जो आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ हेल्प जरूर की होगी। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है 70 48 92 87 46, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, कॉल मत करना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, केवल मेरे पास अभी पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए ही पीडीएफ है। पार्ट 1 वाले के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना फोकस हो सके पेपर 1 पे करना, क्योंकि पेपर 1 में बहुत को कम मार्क्स आता है, पेपर 2 में स्टोरी है, कहानी वगैरह है, तो वहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत कर लेंगे तो यहाँ पे आप आसानी से मार्क्स ले आएंगे। वैसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पार्ट 1 के लिए पेपर 2 का पूरा मटेरियल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया हूँ, पेपर 1 का मेरे पास नहीं है, लेकिन कोशिश रहेगा अगले सीजन से मैं पार्ट 1 का भी पीडीएफ जरूर प्रिपेयर कर लूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।